38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड को मिलने के बाद खेल विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसके बाद मुख्य खेल सचिव अमित सिन्हा ने उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन समेत खेल से जुड़े तमाम विभागों के अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ रुद्रपुर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की है। बैठक में उन्होंने खेल से जुड़े पदाधिकारियों और अधिकारियों से कहा है कि चयनित खिलाड़ियों के लिए जल्द से जल्द कैंप लगाकर ट्रेनिंग शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है और नेशनल गेम की तैयारी बड़े गर्मजोशी के साथ चल रही है। उन्होंने कहा कि खेल को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ब्लॉक स्तर पर खेल महाकुंभ का आयोजन करा रही है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। बैठक हुई, इसके पूर्व में भी एसोसिएशन के साथ कई सारी बैठकें हुई हैं। नेशनल गेम की तैयारी में हम लोग बहुत गंभीरता से लगे हुए हैं। एसोसिएशन के साथ मिलकर हम लोग इसको बहुत बखूबी निभाएंगे। अच्छे तरह से तैयारी चल रही है, इसको हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स का सिलेक्शन हो। पूरे उत्तराखंड में इस माहौल को बनाना है कि हर व्यक्ति जो खेलता है वो बाहर निकले, एसोसिएशन और फेडरेशन उनको सेलेक्ट करेगी, उसमें अच्छे लोगों को लाएगी और हमारा अगला नेशनल गेम में हमारे बेस्ट प्लेयर्स जो है वो सेलेक्ट होकर आएंगे और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे पूरे भारत के पटल पर। अभी सारे स्टेडियम की अगर मैं कंडीशन कहूँ तो बहुत अच्छी प्रगति में है। अभी मैंने खुद भ्रमण किया है रुद्रपुर के स्टेडियम, जहाँ वेलोड्रोम का निर्माण हो रहा है और मल्टीपर्पज हॉल का। अभी मैं हल्द्वानी जा रहा हूँ, वहाँ भी देखूंगा और मुझे मैं ये भ्रमण को लगातार चालू रखूंगा और इनसे मैं लगातार VC के माध्यम से भी इनकी प्रगति को मॉनिटर कर रहा हूँ।